31. She is a widow, a mother of two, also twice member of parliament. What happened back in 2013, one bullet changed her entire life. What's been happening ever since could make for a best-selling novel or a blockbuster movie. Over the next 30 minutes, we'll be looking into the life of Raksha Nikhil Khadse, an extraordinary life that she's led, one that has got her back into the parliament for the 17th Lok Sabha. Thank you for having us, Raksha. Thank you so much. And welcome to NDTV. Welcome to YouthQuake. And I just want to start from the beginning. Firstly, congratulations on getting re-elected. 2014 was your first term. 2019 is your second one. But how are you liking the new 2019 tenure of yours? Now, should we call you a seasoned politician? Abhi sab samajh mein aane laga hai? वैसे बोलने में कोई कोई हर्ज नहीं है क्योंकि मेरा पॉलिटिकल करियर आई वाज स्टार्टेड 2011 दैट टाइम आई वाज इलेक्टेड फर्स्ट टाइम एज अ सरपंच और फिर मेरी शुरुआत तब से हुई. मैंने सरपंच के लिए 2 साल काम किया और फिर उसके बाद में मैं वापस जिला पंचायत के लिए मैं खड़ी रही और तभी भी मेरा काफ़ी अनुभव मेरा अच्छा रहा और खास करके मेरे फादर इन लॉ और मेरे हस्बैंड तब मेरे साथ थे तो उन्होंने कई चीज़ें मुझे सिखाई उस वक्त कि आपने कैसे काम करना है. और पहले से मुझे सोशल वर्क एक अच्छा लगता था कि हम काम सोशल वर्क के लिए करना चाहिए पर मुझे मैं समझती हूँ कि लकीली आई गेट दिस चांस इन पॉलिटिक्स कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि पॉलिटिक्स में आके आप सोशल वर्क करें. ये मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था और मुझे लगता है कि वो चैलेंज को मैंने और ये अपॉर्चुनिटी को मैंने सही तरह से ढंग से उसे मतलब क्या बोलते हैं हमने समझा तो उसे पूरा करने की कोशिश पूरा करने की कोशिश की इसलिए मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ. आई लाइक दैट यू कॉल योरसेल्फ लकी व्हेन लाइफ हैज़ बीन वेरी वेरी टफ ऑन यू. 2013 में एक बुलेट शॉट एंड योर लाइफ कम्प्लीटली चेंज्ड. योर हस्बैंड एक्सपायर्ड देन and lots of stories did the rounds ki he committed suicide, it was because he lost elections because he had a medical condition. But I'm not going to get into that, but I want to understand from you, from that day till now, if you were to describe your life, kya hua, kaise hua? वो तो अभी तक मुझे भी नहीं पता चला. अगर मैं उस दिन को याद करती हूँ तो मुझे बहुत अकेला महसूस होता है कि वो दिन आया क्यों और ये सब हुआ क्यों. लेकिन अब फिर अगेन आई थिंक पॉजिटिवली कि मुझे अभी जो हुआ है वो हुआ है, उसे कोई बदल नहीं सकता. और जो चैलेंजेस मेरे सामने हैं क्योंकि मेरे 2 छोटे बच्चे, उनकी लाइफ मुझे सेटल करनी है, देन उसके बाद पूरी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. और सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पास ये है कि लोगों ने मुझे चुन के दिया है, उन्होंने मुझे भरोसा जो दिया है कि आपको काम करना है कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए. तो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ मैं चलती हूँ कि मुझे जो भी चीज़ दी है, मेरे नसीब से मुझे जो भी मिला है, वो मुझे अच्छी तरह से उसे संभालना है और ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छा क्या कर सकती हूँ इसीलिए मुझे प्रयास करना है. क्योंकि जब ये घटना मेरे साथ घड़ी तभी मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता था और मुझे लगता था कि अभी कितने साल की थी उस समय? मैं तब थी 25 when you lost your husband and you had two kids also then. तब मेरे दिमाग में एक ही ख्याल आता था कि ये मेरे साथ क्यों हुआ. लेकिन फिर मैंने थोड़े दिन के बाद मैंने सोचा कि मैं बाहर निकलूं, लोगों से मिलूं, उनके भी क्या प्रॉब्लम है वो भी समझूं. क्योंकि मेरे जैसे ऐसे कई लेडीज़ है या कई लोग हैं कि उनके लाइफ में भी प्रॉब्लम है. तो मैं जब बाहर निकली, जब लोगों के साथ मिलने लगी, उनके साथ कई चीज़ें मैंने समझी, तो मुझे लगा ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरे अकेले के साथ नहीं है, काफ़ी लोगों को ये सब प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है. तो उनकी तरफ देखें हम लाइफ स्पेंड करें और मुझे लगता है कि भगवान ने आपको कुछ अच्छी चीज़ दी है, आप कुछ कर सकते हो लोगों के लिए, तो वो करना चाहिए. और फिर उस दिन से मैंने सोच लिया कि अभी घर पे ना बैठे हुए मैं बाहर निकल के कुछ लोगों के लिए अच्छा काम करूं. और मैं भगवान को प्रेयर करती हूँ कि ठीक है, इस क्या बोलते हैं हम, अभी मेरी ज़िंदगी में अभी कुछ हो तो नहीं सकता, ये सब चीज़ें वापस आ तो नहीं सकती, लेकिन इस जन्म में मैं इतना अच्छा काम करूँ कि अगले जन्म में ये सब चीज़ें मुझे फेस ना करनी पड़े. इसकी वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या अच्छा काम मतलब मुझसे हो सकता है वो करने की कोशिश मैं करती हूँ. क्योंकि एक जब इतने कम एज में ये सब चीज़ें आपके साथ होती और आपको कुछ पता नहीं रहता है, क्योंकि 26 इज़ योर एज,
तब आप ड्रीम्स देखते हो, तब आपको लगता है कि मेरे साथ ये होना चाहिए, मेरे लाइफ में ये सब चीज़ें आनी चाहिए. बोलते ना एक हम वो एज बबल बर्स्ट हो गया एकदम से. हम वो एज में जीना सीखते हैं, लेकिन मेरे लाइफ में ये हुआ कि वो एज में मेरे पास कुछ नहीं था जीने के लिए, लेकिन मैंने उस चीज़ों से मैं बाहर निकली और कोशिश की कि आगे जाके सोशल वर्क के माध्यम से या पॉलिटिक्स के माध्यम से मैं और जीना सीखूँ, और वही प्रयास मैं आज तक कर रही हूँ. और काफ़ी महिलाओं को भी काफ़ी मेरी तरफ देख के उनको भी लगता है कि अगर ताई, मतलब मुझे सब ताई बोलते हैं वहाँ पे, अगर ताई कर सकती तो हम भी कर सकते हैं. तो मुझे वो चीज़ की खुशी होती कि चलो आप मुझे देख के कहीं महिलाएं बन गई. मैं रक्षा बस ये कहना चाहती हूँ, फर्स्टली यू नो बिग बिग कंग्रेचुलेशंस टू यू. मैं क्या बोलूँ, मतलब मोर पावर टू यू इन अ वे कि आप जो कर रही हैं इट इज़ नॉट ईजी. एंड यू नो मैं आते वक्त यहाँ पर यही सोच रही थी, पॉलिटिक्स जिसने आपके आपको आपके पति से छीना एक तरह से, आपने उसी फील्ड में आकर वही कॉज चैम्पियन करा है, तो ये बहुत बड़ी बात है. और 2013 में यू लॉस्ट योर हस्बैंड, 2014 इलेक्शंस आपने पार्लियामेंट के लड़े और आप कैसे एकदम थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ वापस आई हैं, 2019 में फिर इलेक्ट होकर आई हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है. आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस उसके लिए एंड लॉट ऑफ स्ट्रेंथ टू यू. ओके, आई वॉन्ट टू ऑल्सो नाउ टेक यू बैक टू दैट टाइम वेन इट हैपेंड, बिकॉज इट्स सो इम्पॉर्टेंट कि हम सब ना स्पेशली यंग इंडिया, आप जितने सर्वेज देखते हैं जो यंग लोग हैं आजकल के, आपकी उम्र के, मेरी उम्र के, उनको लगता है ये पॉलिटिशियंस कितने अजीब से लोग होते हैं. यू नो दे लुक एट पॉलिटिक्स विद अ वेरी नेगेटिव लेंस, राइट? तो हमारा इस प्रोग्राम के थ्रू ये भी एक यू नो बताने का नज़रिया है कि उनको समझना चाहिए कि हर पॉलिटिशियन एक बहुत ही कोजी कुशन लाइफ से नहीं आता है, बहुत स्ट्रगल्स के साथ जाता है. एंड जो लोग डायनेस्टी की बात करते हैं वो भी मैं बताना चाहती हूँ, आपके फादर इन लॉ भी पॉलिटिशियन है, फाइनेंस मिनिस्टर थे महाराष्ट्र में, लीडर ऑफ अपोजिशन भी रह चुके हैं, इज़ अ वेरी टॉल लीडर. फॉर हिम एट दैट टाइम अपने बेटे को खोना, फिर आपको पॉलिटिक्स में लेकर आना, ये करना, कैसा तब क्या चल रहा था दिमाग में आपके? मैं इस पे बोलना चाहूँगी, जैसा आप सोचते या लोग सोचते या अपने जैसे जितने भी यंग लोग हैं वो सोचते कि पॉलिटिक्स बहुत ख़राब है, तो मैं भी पहले वही सोचती थी कि पॉलिटिक्स इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब, कि हम नहीं कर सकते, इट्स अ डर्टी जॉब आल्सो. बट जब मेरी शादी हुई, जब मैं पहली बार घर पे आई और तब मैंने देखा कि मेरे फादर इन लॉ कैसे किस तरह से काम करते, उन्होंने मुझे एक चीज़ सिखाई हमेशा कि सुबह के 6 बजे या रात के 12 बजे अपने घर पर जो भी आते हैं, जो भी मेहमान आते, उनको कॉफ़ी चाय पिलाए बिना उनको कभी भेजना नहीं है. और मेरे लिए वो मतलब थोड़ा मुझे अजीब लगा कि ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने ये सब चीज़ें कभी की नहीं थी शादी से पहले. और कोई आप क्या शादी से पहले कैसे आप अपने हस्बैंड से मिले, कैसे हुआ शादी उनसे? नहीं, एक्चुअली हमारा अरेंज मैरिज ही था. मैं तब इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रही थी और एकदम घर वालों ने डिसाइड किया और शादी करनी मुझे करनी नहीं थी, क्योंकि मुझे मेरा एजुकेशन पूरा कंप्लीट करना था. पर जैसे सब इंडियन फैमिलीज अपनी जैसे रहती कि नहीं अच्छा रिश्ता है आपको शादी कर लेनी चाहिए, और फिर शादी हो गई. लेकिन उसके बाद कई चीज़ें मैंने, आपको पता था कि वो इतने बड़े पॉलिटिशियन के बेटे हैं, उनका भी फ्यूचर पॉलिटिक्स में होने वाला है? तब मेरे दिमाग में ये सब चीज़ें नहीं थी, क्योंकि मेरा एज भी काफ़ी कम था, ओनली 19 दैट टाइम. तो इतना ये इतना मैंने तब सोचा नहीं था. फिर उसके बाद जब मेरी शादी हुई, फिर मैं इस घर में आई, तब काफ़ी चीज़ें मैंने मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ से सीखी, मेरे हस्बैंड से सीखी कि सब पॉलिटिशियन सेम नहीं रहते. कुछ पॉलिटिशियन रहते कि जो सही में लोगों के लिए कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं, सोसाइटी के लिए अच्छा काम करना चाहते हैं, और उनसे ही मैंने कई चीज़ें सीखी कि आप किस तो तरह से. जब आप एक पॉलिटिशियन बन गई हैं और आपके जहन में ये सारी बातें आती हैं, आपकी प्रायोरिटीज़ हैं कि एज अ यंग वुमन एमपी क्या टॉप 5 प्रायोरिटीज़ हैं आपको लगता है जो आप ब्रिंग करना चाहती हैं, जो आप लाना चाहती हैं, आपका इनपुट रहना चाहिए इस लोकसभा में? मुझे लगता है कि एक तो पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स रहे या कोई भी कौन सा भी क्षेत्र रहे, वहाँ पे महिलाओं के लिए काम करना बहुत डिफ़िकल्ट है. क्योंकि जिस तरह से हम हर जगह पे बोलते हैं कि फर्स्ट लेडीज़, हम महिलाओं को इतनी अपॉर्चुनिटी देते हैं, ये सब बोलने की चीज़ें हैं, लेकिन ग्राउंड पे ये सब चीज़ें होती नहीं है. तो कहीं ना कहीं महिलाओं को भी
थोड़ा स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है कि हम वो सब चीज़ें फॉलो करें, कि हमें भी कुछ डिसीजन खुद से लेते आने चाहिए कि हम ये सब चीज़ें एम्पावरमेंट हम अच्छी तरह से कर पाए। तो मुझे लगता है कि आज मतलब जब मुझे अभी सेकेंड चांस मिला है पार्लियामेंट में, तो पिछले 5 साल में जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जिस तरह से मैंने काम किया है, तो मुझे लगता है कि और इस 5 सालों में, आने वाले 5 सालों में मुझे और अच्छी तरह से काम करना है। तो मेरा सबसे बड़ा प्रायोरिटी इस बार रहेगा तो हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आज पानी का, क्योंकि बहुत से जगह ड्राई है, बारिश नहीं होने के कारण काफी लोगों को इसका सामना करना पड़ रहा है। तो एक आप पानी पर प्रायोरिटाइज करेंगी, विमेन एम्पावरमेंट पर लाने की कोशिश करेंगी, डेफिनेटली। देन एजुकेशन इज आल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ माय कॉन्स्टिट्यूएंसी। देन आई थिंक सो बच्चों के लिए जॉब वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में जॉब की अपॉर्चुनिटी बहुत कम है, और जब तक हम ग्रामीण क्षेत्र को अच्छी तरह से डेवलप नहीं कर पाएंगे, तब तक हम वहाँ पे जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं ला पाएंगे। लेकिन पिछले करते रहेंगे अर्बन एरियाज में, एंड फिर प्रॉब्लम्स। पिछले 5 साल में हमने मतलब हमारे मोदी गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हमने काफ़ी वहाँ पे रोड्स के काम किए, रेलवे के काम किए, और मुझे लगता है कि जब एक अच्छी कनेक्टिविटी आपके डिस्ट्रिक्ट में हो जाती है क्रिएट, तो देन You have some chances to build up industrial area. तो उसके माध्यम से हम वहाँ पे काफ़ी जॉब वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, कर सकते हैं। आपकी जो कुछ पिक्चर्स हमने सोशल मीडिया पे बहुत वायरल देखी है, मैंने देखा आपका पहला जो इलेक्शन था वो अपने दोनों बच्चों को अपने हाथ में लेकर कैंपेनिंग के लिए जाती थी, तो मैं समझ सकती हूँ कि आप क्यों बोल रही हैं कि विमेन एम्पावरमेंट इतना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्रशेज बच्चों के लिए, वो चाहे पॉलिटिशियंस हों, चाहे वो जर्नलिस्ट हों, चाहे वो यू नो वर्कर्स हों, जो डेली वेज वर्कर्स हैं, उनको अपने बच्चों पे रखने की जगह, वहाँ पर उनका देखभाल करने के लिए, वो सब का इशू है। लेकिन जस्ट टेक मी थ्रू दैट टाइम जब आपने पहला डिसाइड करा, जब आपकी फैमिली इतने ट्रेजेडी के थ्रू जा रही थी, जब आपको पता चला दैट योर हस्बैंड इज नो मोर, व्हाट हैपेंड दैट टाइम? नहीं, मुझे तब तो मतलब जब मुझे ये बोला गया, क्योंकि ये सब मेरे सामने ही हुआ, पर मुझे एक आशा थी कि आपको चलो याद है अभी भी पूरा एकदम, वो हॉस्पिटल में गए तो कुछ ना कुछ होगा अच्छा। लेकिन काफ़ी देर रात तक हम सब लोग वेट करते रहे कि क्या हुआ क्या, मुझे तब बताया नहीं गया था, दूसरे दिन मुझे बताया गया, और मेरे लिए वो बहुत शॉकिंग था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ उस दिन। मतलब मेरे नेटिव में वही हमारे घर पे हुआ था, तो नो ही शूट ऑन इन हिज हेड, तो वो मतलब पता, मैं पूरी ब्लैंक थी कि मुझे कुछ समझ नहीं रहा था कि मैं क्या करूं। लेकिन ये सब चीज़ें मतलब मैं भगवान को प्रेयर करती थी कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, और मुझे उसमें से बाहर निकल के लिए काफ़ी 10-12 दिन निकल गए, और काफ़ी एक साल तक काफ़ी मुझे तकलीफ हुई, आज भी होती है ऐसा नहीं, क्योंकि आप एक एज अ सिंगल मदर काम करना बहुत डिफ़िकल्ट है आपके लिए। लेकिन मेरे फैमिली वालों ने काफ़ी सपोर्ट किया, मेरे मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, फादर इन लॉ, दैन माय फादर, माय मॉम, डैड, इन्होंने काफ़ी मुझे हेल्प किया, मेरे भाई है, भाभी है, उन्होंने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया कि नहीं चलो जो हुआ है वो हो गया, उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन आपको खड़ा रहना है, आपको काम करना है। और फिर वापस मैंने नए तरीके से काम करना शुरू किया। आपके बच्चे आपकी इंस्पिरेशन थे उस समय, कैसे कैसे निकाला आपने अपने आप को उससे? मैं यू नो मैं इसलिए जानना चाहती हूँ सारी डिटेल्स की, देर आर सो मेनी यंग पीपल दीज डेज, उनकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है और उनको लगता है कि इससे लाइफ ख़त्म होने वाली है इस समय, किसी को जॉब नहीं मिला, किसी के परसेंटेज अच्छे नहीं आए, किसी का ब्रेकअप हो गया, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट उनको एक मैसेज देना, उनको एक इंस्पिरेशन देना कि लाइफ फिर भी संभाली जा सकती है। देखो, कोई चीज़ें अपने लाइफ से कनेक्टेड रहती है तो ये सब चीज़ों की तकलीफ होती है, और हर किसी के दिमाग में ये आना मतलब मतलब इजी है कि हर किसी के दिमाग में यही चीज़ें आती कि हम ये क्यों कर रहे हैं। लेकिन जब ये होता है तो हमारे सामने कोई ऑप्शन नहीं रहता, और मेरे बच्चे तब तो बहुत छोटे थे, मतलब मेरा बेटा है वो तो तब पापा बोलना सीखा था उसने, आए मुझे याद है कि एक दो बार ही उसने बोला होगा, मेरी बेटी तब 4 साल की थी,
और उनको ये सब चीज़ों की समझ नहीं थी, लेकिन उनको मतलब फैमिली वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, तब उन लोगों को संभाला भी मेरे, मतलब आज भी मेरे मदर इन लॉ उनको संभालती है जब मैं यहाँ पे आती हूँ या कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहती हूँ, हमेशा उनका ख्याल रखती है, और इस मुझे लगता है उसी वजह से मैं आज इतना सब कर पा रही हूँ। उनका भी काफ़ी मेन रोल इसमें रहा है कि उन्होंने अभी हमसे अपने MP फ्लैट्स दिल्ली में मिल रही हैं और बच्चे अभी भी वहीं पर हैं। मेरे बच्चे वहीं पे अभी नेक्स्ट वीक को मेरे साथ यहाँ पे आएंगे, अभी उनके हॉलीडेज चल रहे हैं। तो लेकिन अभी जब वो स्कूल में जाते हैं और मुझे क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि बाकी के पेरेंट्स आते हैं, मम्मी पापा आते हैं, तब मेरा बेटा भी क्वेश्चन मुझे करने लगा है कि क्यों पापा कहाँ पे गए, तब मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट रहता है कि मैं उसे क्या जवाब दूँ। पर ठीक है, मैं उनको बोलती हूँ आपके लिए मम्मी भी मैं हूँ, पापा भी मैं हूँ, और आपको जो मतलब जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो मुझे ही पूरी करनी है। तो फिर वो समझ जाते हैं और वो उतने अभी मुझे लगता है कि उतने मैच्योर्ड मेरे बच्चे हैं कि उनको समझता है कि आज हमारे पापा नहीं है तो ये सब चीज़ें हमारे मम्मी को करनी पड़ रही है, इसलिए वो दिन भर बाहर रहती है, उनको काम करना पड़ता है, और वो मेरे लिए क्या बोलते हैं बहुत मतलब एक बहुत अच्छी बात है। और मेरा स्ट्रेंथ वही है कि मेरे बच्चे उतने मैच्योर है कि वो मुझे सपोर्ट, मतलब वो फिजिकली सपोर्ट नहीं कर पाते लेकिन वो समझते हैं और वो मुझे बोल के भी बताते हैं कि नहीं आप कर रहे हो, आप अच्छा करो। मतलब जब सेकेंड टाइम मेरा इलेक्शन था अभी, तो जब सब टेलीविज़न पे जब नाम डिक्लेयर पार्टी की तरफ से हो रहे थे, तो मैं किचन में काम कर रही थी, तो मेरा बेटा रूम से बाहर निकला और इतना फास्टली रन करके मेरे पास आया और बोला मम्मी मम्मी आपका टिकट डिक्लेयर हो गया, आपका टिकट डिक्लेयर हो गया। मतलब सबसे ज़्यादा खुशी उसको घर में हो रही थी कि वापस एक बार मेरी मम्मी को चांस दिया गया है। और ही इज प्राउड ऑफ यू। और जब वोटिंग का दिन था, तब मेरी बेटी ने मुझे रात को 12 बजे मैसेज किया कि बेस्ट ऑफ लक मम्मी फॉर योर इलेक्शन, और उसने मुझे मैसेज करके, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत स्ट्रेंथ देती है मुझे लगता है। और जब मेरा काउंटिंग का दिन था, तब उसने स्कूल में उसके टीचर के पास वो 3 बार गई और टीचर को पूछा कि प्लीज़ देखिए ना मेरे मम्मी का रिजल्ट क्या आ रहा है। मतलब उसको स्कूल में जाने के बाद भी उसका ध्यान नहीं लग रहा था, क्योंकि वो मुंबई में दोनों पढ़ते और काउंटिंग मेरा जलगांव में डिस्ट्रिक्ट में था। पर मुझे बाद में उसके टीचर ने बोला कि आपकी बेटी आपके लिए इतनी वरीड थी कि उसे मतलब उसका क्लास में ध्यान नहीं लग रहा था कि मेरे मम्मी का रिजल्ट क्या आएगा, जब उसे पता चला कि आप विन हो गए देन शी विल बी हैप्पी। Wow. So I just want to say this is absolutely incredible to know all those details and get a little insight into your life.